नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे ये रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट। तो दोस्तों यह है डोमोडा ब्रांड की तरफ से आने वाली DM7767U इमरजेंसी लाइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन है इस इमरजेंसी लाइट का। एंड देखिए आप इसे सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास सोलर पैनल है तो आप इसे चार्ज कर पाओगे, अदरवाइज़ आप सोलर पैनल अलग से भी परचेस कर सकते हो। एंड देखिए 200 वाट्स की लाइट है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रोशनी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी रोशनी आपको इस लाइट में मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो इसमें आपको दो ट्यूबलाइट्स मिल जाती है, एक इधर है एक इधर है। एंड देखिए ये रिचार्जेबल है। एंड इसमें दोस्तों आपको 24 आवर्स तक का बैकअप मिल जाता है, यानी कि 24 घंटे तक आप इस लाइट को कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो। एंड देखिए आप इसे एसी वोल्टेज से भी चार्ज कर सकते हो, एंड आप इसे डीसी वोल्टेज से भी चार्ज कर सकते हो। एंड इसमें आपको चार्जिंग वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप इसे पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो इस इमरजेंसी लाइट को। एंड दोस्तों आप इसे इंडोर एंड आउटडोर दोनों में यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आप बाहर गए हो रात में कैंपिंग कर रहे हो तो भी आप इस लाइट को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी रोशनी आपको इस लाइट में मिल जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन देखें तो देखिए इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर हम चार्जिंग टाइम देखें तो अगर आप इसे एसी वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो तो देखिए 14 घंटे लगेंगे इसको फुल चार्ज होने में। एंड अगर आप इसे डीसी वोल्टेज से चार्ज कर रहे हो तो ये 8 घंटों में फुल चार्ज हो जाती है। तो चलिए दोस्तों इस लाइट को निकालते हैं बाहर, चेक करते हैं, देखते हैं कैसी लाइट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बॉक्स पैकेजिंग में ये लाइट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस लाइट के साथ ये केबल मिल जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक केबल मिल जाती है इस लाइट के साथ, तो इस केबल को यूज़ करके आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको माइक्रो एसबी पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए पतली पिन वाला भी ये पोर्ट मिल जाता है, जो कि पुराने नोकिया के फ़ोन में लगता था, काफ़ी सारे चाइनीज़ फ़ोन में भी ये पिन लगती है। तो इस केबल को यूज़ करके आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी कुछ लाइट आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी गुड लुकिंग लग रही है लाइट, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है। तो चलिए दोस्तों पहले आपको इस लाइट का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे ब्रांड नेम दे रखा है, एंड यहाँ पे मॉडल नंबर दे रखा है, और सामने से देखिए ऐसा कुछ लुक दे रखा है। यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये कलर भी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए एक लाइट यहाँ दे रखी है एंड एक लाइट यहाँ दे रखी है, और इसके ऊपर देखिए पॉलीथीन चढ़ा हुआ है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल ये लाइट दे रखी है। एंड यहाँ पे अगर हम इसे बैक साइड से देखें तो देखिए यहाँ पे एक आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए चार्जिंग इंडिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एक रेड लाइट मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों डीसी वोल्टेज के लिए स्लॉट मिल जाता है, तो अगर आपने इस लाइट को डीसी वोल्टेज से चार्ज करना है तो यहाँ पे आपने चार्जर लगाना है, और देखिए 6 वोल्ट का चार्जर लगेगा, और ऐसा कुछ यहाँ पे पिन वाला पॉइंट दे रखा है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपने केबल लगानी है ये वाली, अगर आपने इस लाइट को एसी वोल्टेज से चार्ज करना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो इस इमरजेंसी लाइट से, इमरजेंसी केस में, मतलब अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही और अपना मोबाइल आप चार्ज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर हम नीचे से देखें तो देखिए ऐसी कुछ लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन के लिए स्टिकर दे रखा है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल सा हैंडल देखने को मिल जाता है, तो आप इसे बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, ये देखिए ऐसे। एंड यहाँ पे देखिए ऊपर एक बटन भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये दोस्तों ऑन ऑफ बटन है, जब आपने लाइट यूज़ करनी है तो आपने इस बटन को यूज़ करना है, इस बटन को प्रेस करना है। तो चलिए इस लाइट को ऑन करके देखते हैं, चला के देखते हैं, यूज़ करके देखते हैं कैसी ये लाइट है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इस लाइट को यूज़ करने के लिए पहले तो आपने इस बटन को ऑन कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस बटन को यूज़ करना है, तो अगर आप इस बटन को सिंगल प्रेस करते हो तो देखिए ये लाइट ऑन हो चुकी है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। और अभी ये वाली जो लाइट है ये ऑफ है, ये यूज़ नहीं हो रही है। अगर मैं इस बटन को दोबारा से प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी दोनों लाइट्स ऑन हो चुकी है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है इस लाइट में से, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये लाइट है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस बटन को दोबारा से प्रेस करता हूँ तो देखिए लाइट ऑफ हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों स्लाइड को हम ट्राई करते हैं अंधेरे में, देखते हैं कि अंधेरे में इसकी कितनी ज़्यादा रोशनी मिल जाती है।
तो दोस्तों इस लाइट को चार्ज करने के लिए आपने ये केबल यूज़ करनी है जो कि आपको साथ में मिलती है। तो इस केबल को आपने यहाँ पर लगाना है, ये देखिए, और फिर आपने इसको प्लग इन करना है एसी वोल्टेज में कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ऐसे आप इस लाइट को चार्ज कर सकते हो एसी वोल्टेज से। और अगर आपने दोस्तों इस लाइट को चार्ज करना है डीसी वोल्टेज से तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 6 वोल्ट का डीसी अडैप्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो जिससे आप इस लाइट को चार्ज कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप 6 वोल्ट का एक सोलर पैनल भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप दोस्तों 6 वोल्ट का सोलर पैनल लगाओगे यहाँ पे इस पोर्ट पे तो आप सोलर पैनल से भी इस लाइट को चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस लाइट में आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो आप इस लाइट को एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो या और भी डिवाइसेस आप चार्ज कर सकते हो जो कि यूएसबी पोर्ट के थ्रू चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना फ़ोन चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये वाली केबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे फ़ोन में टाइप सी पोर्ट है तो ये वाली केबल नहीं यूज़ होगी, बट आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में ये पोर्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं टाइप सी केबल यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस केबल को प्लग इन करता हूँ तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, देखिए मेरा फ़ोन अभी चार्ज होने लग गया है। तो ऐसे आप इस इमरजेंसी लाइट के थ्रू अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आप इस लाइट में ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इस बटन को दोस्तों थोड़ा होल्ड करके रखोगे तो देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस कम हो जाएगी अभी, ये देखिए ब्राइटनेस कम हो रही है। एंड दोबारा से अगर मैं इस बटन को थोड़ा होल्ड करके रखूँ तो देखिए अभी ब्राइटनेस बढ़ रही है, ये देखिए अभी ब्राइटनेस फुल हो गया है। तो दोस्तों ऐसे आप इस बटन को होल्ड करके ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये रिचार्जेबल लाइट मुझे काफ़ी पसंद आई है, इसका डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 24 आवर्स तक का बैकअप मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड यहाँ पे आप इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, आपको पावर बैंक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर बात करी जाए इसकी लाइट की यानी कि इसकी ब्राइटनेस की तो वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसमें आपको लाइट मिल जाती है। दो लाइट्स दे रखी हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट्स हैं ये। तो दोस्तों ये लाइट आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा लाइट जाती है, काफ़ी ज़्यादा पावर कट होता है तो ये लाइट आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों मैंने दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड ये लाइट आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो।